तो बच्चे लोग, तो आज का जो क्लास है जावा में वो है मेरा स्कैनर क्लास। बहुत सारे बच्चे लोगों ने पूछा कि सर स्कैनएफ नहीं होता है क्या? तो एक्चुअली देखो, हमको आदत भी नहीं है कि स्कैनएफ हम तुम लोगों को पढ़ाएं। स्कैनएफ कहने का मतलब हाउ टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। अब सही बात है, सी पर है, सी प्लस प्लस पर है, डॉट नेट पर है, कुछ भी पढ़े और अकल तक भी पढ़े, तो उसमें क्या होता है, हाउ टू एक्सेप्ट डेटा जरूर पढ़े। जब हाउ टू प्रिंट मैसेज कर लिया, तो हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम द यूजर आपने सबसे पहले पढ़ा। तो ये ऑब्वियस क्वेश्चन आप लोग को आना ही था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों से आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आपको मैं दे देता हूँ। एक्चुअली जावा में ये जो है ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है कि डाटा लेना आपको पहली बार सिखा जाए। पहले तो खास करके जिस जमाने से हम पढ़ के आए हैं जावा को, उस समय तो हमें पढ़ा गया है, तो जब जावा ये था, जेडीके का जो वर्जन था, उसमें स्कैनर क्लास होता भी नहीं था। मतलब वहां पर ये एबिलिटी नहीं थी कि आप कोई भी डाटा इतनी आसान तरीके से मांग सको, जो आज हम तुमको बताने जा रहे हैं। उस समय हमको कंप्लीट क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता था, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ना पड़ता था, तब जाके डाटा ले पाते थे, और उसके बाद भी कास्टिंग सीखना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था। लेकिन जावा में एक कॉन्सेप्ट आया था जेडीके 1.5 जब लॉन्च हुआ, तो उसमें जावा ने भी शायद इसको महसूस किया होगा कि सी सी प्लस प्लस के जैसे इसमें भी स्कैनएफ थोड़ा सिंपल होना चाहिए, स्कैनएफ का कोई भी अल्टरनेटिव। तो उसमें ये चीज ऐड हुआ। जेडीके के 1.5 वर्जन से पहले अगर आप काम करोगे, तो ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, वो काम नहीं करेगा। और अगर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपका जो जेडीके है वो ओल्डर वर्जन का है, थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा अपग्रेडेशन का नहीं है, थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए, क्योंकि वो जेडीके 1.5 में ये इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो जेडीके 1.5 से नीचे पे काम करोगे तो स्कैनर काम नहीं करेगा, तो ये मत बोलना कि सर ने गलत बढ़ा दिया। ठीक है, तो बात आता है कि जब हमारे पास स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने का ऑप्शन आ गया, तब हम ये काम कैसे करेंगे, कैसे डाटा लेंगे। तो कैसे लेंगे कुछ सुन लो, कैसे लेने का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे जावा में बहुत सारे ऑप्शन है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, डाटा एक्सेप्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, नॉट ए सिंगल ऑप्शन, लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट है और सबसे सिंपलेस्ट वे है, वो है आपको ये स्कैनर। कौन सा टेक्निक है, ये स्कैनर है आपका सबसे जो सिंपलेस्ट वे है, इससे सिंपल कोई टेक्निक नहीं है इसमें। कहता है स्कैनर क्लास, SCANER, एस कैपिटल होगा, फ्रॉम जावा 1.5 स्कैनर क्लास वाज इंट्रोड्यूस। जावा का जो 1.5 वर्जन था, या जेडीके का 1.5 वर्जन था, वहां से आप कह सकते हो कि कौन सा इंट्रोड्यूस किया था, क्लास क्लास स्कैनर क्लास वाज इंट्रोड्यूस। इस प्रोवाइड वेरियस मेथड टू रीड ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये सब बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जिसके मदद से, नॉट ए सिंगल स्कैनर, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स बाय व्हिच वी आर एबल टू रीड द डेटा। अब जिस टाइप का डेटा होगा, उस टाइप का मेथड तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक ही मेथड से सारा चीज यूज नहीं होता है। तो कहता है इट प्रोवाइड्स वेरियस मेथड टू रीड ऑल द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन सोर्स। और स्ट्रिंग भी तुम रीड कर सकते थे इस स्कैनर क्लास की मदद से। ठीक है, अब सोर्स कहने का मतलब है, एक्चुअली जावा जो है ना, कोई भी रीड और राइट करता है तो वो सीधा समझो फाइल हैंडलिंग ही करने लगता है, तो ये फाइल हैंडलिंग के मोड में ही करता है। तो लेकिन फिर भी अभी भी कर फाइल हैंडलिंग के मोड में ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा आसान कर दिया, जैसे कि इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल हैंडलिंग के बिना तो हम जिस समय पढ़े थे, उस समय में डाटा बिना फाइल हैंडलिंग का मांगा ही नहीं जाता था। लेकिन 1.5 जब आया, तो फिर स्कैनर आ गया, तब तुमको फाइल हैंडलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आज हम तुमको पढ़ा सकते हैं स्कैनर, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो गया है डाटा, चलो मांगना भी सीख ही लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस स्कैनर क्लास को सिर्फ पढ़ना है, तो जल्दी से इसको खत्म कर लीजिएगा। इट प्रोवाइड्स वेरियस मेथड टू रीड ऑल द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन सोर्स फॉर द पर्पस। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास बाय कॉलिंग इट्स कंस्ट्रक्टर। अब इतनी बातें तो थोड़ी बात तुमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि सी प्लस प्लस पढ़ चुके हो, डॉट नेट पढ़ चुके हो, तो क्लास थोड़ा बहुत समझ जाओगे, ज्यादा प्रोग्राम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर होता भी है तो थोड़ा देर बर्दाश्त कर लो, कुछ क्लासेज के बाद ये खत्म हो जाएगा। फॉर एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम द कंसोल वी कैन पास इट सिस्टम डॉट इन एज इट्स आर्गुमेंट। आप इसको क्या पास करेंगे, सिस्टम डॉट इन पास कर देंगे। तो सिस्टम डॉट इन इसलिए पास कर दोगे क्योंकि तुमको यू डोंट नो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ योर कंसोल, और तुमको वैल्यू कहां से लेना है, कंसोल से लेना है। तो स्कैनर का जो तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस ऑब्जेक्ट को आप क्या पास करोगे, उस ऑब्जेक्ट को आप पास करोगे स्कैनर का ऑब्जेक्ट को जो आप पास करोगे, वो पास करोगे सिस्टम डॉट इन, ओके, एज इट्स आर्गुमेंट। लाइक
आपको करना क्या है, इसका जो ऑब्जेक्ट बनाइएगा ऐसे बनाइएगा, स्कैनर ओ बी इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन, आपको ऐसे ही इसको बनाना है। और उसके बाद दिस ओ बी के जगह पे आप कोई भी यूज कर सकते हो, हेयर सिस्टम डॉट इन होल्ड्स द एड्रेस ऑफ कंसोल, मैंने फिर भी यहाँ पे एक बार लिख दिया है। ओके, तो अभी हमारा मुद्दा यही है कि कंसोल बेस्ड हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो स्कैनर का इस्तेमाल करना है ताकि कंसोल से किसी भी तरह के डेटा को अपन लोग रीड कर सके और फिर आपको उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सके। तो ये कहता है स्कैनर। तो अब बात आता है कि एक चीज इसमें छूट गया, ये स्कैनर जो है डिफाइन किस में है, फ्रॉम जावा स्कैनर क्लास वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस इनसाइड जावा डॉट यूटिल पैकेज, यूटिल पैकेज वाज इंट्रोड्यूस इनसाइड जावा डॉट यूटिल पैकेज, ये किस पैकेज में इंट्रोड्यूस किया गया, किस पैकेज के साथ, जावा डॉट यूटिल पैकेज के साथ। तो इसीलिए अगर आप स्कैनर का कोई भी एक्सेसिंग अपने प्रोग्राम में करना चाहिएगा तो आप किसको एक्सेस कीजिएगा, जावा डॉट यूटिल को आपको इंपोर्ट करना होगा। ओके, बाकी इसको एक बार फिर से अपने लाइन से पढ़ लो, इसका नोट्स बना लो, और हमने बहुत आसान तरीके से इसको लिखने का कोशिश किया है, आप देखिएगा। इसके जो मेथड्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो सारे मेथड्स आपको देखना है। पहला है नेक्स्ट बुलियन, तो ये क्या करेगा, एक बुलियन रीड करके देगा आपको उस कंसोल से। नेक्स्ट बाइट, ये क्या देगा, एक बाइट देगा रीड करके। ये क्या देगा, नेक्स्ट डबल, अगर डबल डाटा लेना है तो नेक्स्ट डबल यूज कीजिए, फ्लोट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट यूज कीजिए, नेक्स्ट इंट, इंट लेना है तो नेक्स्ट इंट लीजिए, नेक्स्ट लाइन अगर स्ट्रिंग लेना है तो यूज कीजिए नेक्स्ट लाइन, अगर लॉन्ग लेना है तो यूज कीजिए नेक्स्ट लॉन्ग, अगर शॉर्ट लेना है तो यूज कीजिए नेक्स्ट शॉर्ट, ठीक है। मतलब जिस टाइप का बेसिक डेटा टाइप आपका होगा सबके आगे में नेक्स्ट लगाइएगा, नेक्स्ट लगाइएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन एक यूज आपको जो करना है वो क्या करना है, नेक्स्ट लाइन, ये जो नेक्स्ट लाइन है ये स्ट्रिंग के लिए होता है, बाकी बेसिक डेटा टाइप के लिए सब है। तो मतलब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये वो कोई छोड़ दिया है, कौन छोड़ दिया है, नेक्स्ट कैर छोड़ दिया है, हाँ तो नेक्स्ट कैर भी होगा, बात समझ गए, 100% नेक्स्ट कैर भी होगा, नेक्स्ट कैर नहीं दिख रहा है यहाँ, नेक्स्ट कैर भी होगा, मैंने लिखने में गलती किया होगा या देख लेते हैं करके बात है। तो अब इसका एग्जाम्पल करके देख ले, तो एग्जाम्पल क्या करके देख लेते हैं हम लोग, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट। ओके, जैसे कि इंट टाइप का ए कहते हैं system.out.print enter 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 a int value int value, okay int value। अब लेके जाने का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना होगा ना, रीड करने के लिए, रीड करने के लिए आपको स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, सी ए डबल एन ई आर, स्कैनर का ओ बी हम बना रहे हैं, ओ बी इक्वल टू न्यू एस सी ए डबल एन ई आर स्कैनर, और ये स्कैनर आपको कहाँ पे भी इसको कौन सा पाथ देना है, पाथ देना है आपको एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट इन, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, ये आपको याद करना होगा, ये लिखना है। चाहो आप तो इसको आप जो है मेन के जस्ट नीचे डिफाइन कर दो, ऐसे कहीं भी डिफाइन करो उससे हमें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां भी यूज करोगे वो भी उससे पहले तो डिफाइन करोगे ना। अब बात आता है स्कैनर यूज किए हो तो जावा डॉट यूटिल लगाना होगा, तो आई एम आई एम पी ओ आर टी इम्पोर्ट जावा डॉट यू टी आई एल यूटिल डॉट, या तो स्कैनर लगा दो एस सी ए डबल एन ई आर स्कैनर, या अभी के लिए अपन को क्या करना है यहाँ स्टार ही लगा देना है, स्टार ही लगा दो यूटिल में जो भी है सब स्कैनर यहाँ आ जाएगा। स्कैनर का ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट इन ए सिस्टम डॉट ए इंट वैल्यू। ओके, अब इंट वैल्यू तुमको लेना है तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, किस में लेना है भैया, ए में ना, तो ए बराबर ओ बी डॉट नेक्स्ट एन ई एक्स टी नेक्स्ट आई एन टी इंट। देखो नेक्स्ट और इंट दो वर्ड हो गया तो आई क्या होगा, कैपिटल होगा, तो नेक्स्ट इंट। ओके, अब एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके बाद अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं
इंटर इंट डेटा फ्रॉम द यूजर, ओके। और यहां पे प्लस लगा करके किसका वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, एक का। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट test टेस्ट नेक्स्ट इंट next नेक्स्ट int इंट, हमने अपना नाम रखा है इसलिए ऐसा रखे हैं। नेक्स्ट इंट का टेस्ट कर रहे थे, कंट्रोल सी, फाइल सेव एज डॉट java जावा, ठीक है। ऑल फाइल करना ना भूलें, सेव इट, सेव कर लिया, कंपाइल कर लिया। अब इसको करेंगे कंपाइल, तो खोलेंगे किसको, cmd को, खुल गया। इसके पास हमको क्या करना है, cd backslash enter cd java enter cd bin enter, हो गया। अब करना है क्या, cls क्लियर कर दो, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे इसको कंपाइल करने के लिए, java c और जावा सी किसको कंपाइल करो भाई, नेक्स्ट इंट डॉट जावा को, कंपाइल हो गया। जावा test टेस्ट next नेक्स्ट int इंट इंटर, देखो क्या कहता है, इंटर है इंट वैल्यू, तो हम दे देते हैं इसमें 1 2 3 4 5, देखो इंटर इंट डेटा फ्रॉम द यूजर इज 1 2 3 4 5, ले लिया ना। अब देखो कहता है क्या, इस सब केस में थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती तुम करोगे तो ये भी गलती करेगा। जैसे कि अब हम कहते हैं जावा टेस्ट इंटर, और कर दिया क्या 1 2 3 और 10.123, एक्सेप्शन मार के निकल लेगा ये, तो तुम गलती करोगे तो गलती उल्टी इसको बर्दाश्त नहीं होता है ये। लेकिन बात है C++ से जो पढ़ के आया था उसको स्कैनर देना जरूरी था जावा के लिए, इसलिए जावा ने ये प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसका फ्यूचर में यूटिलाइजेशन ना के बराबर होता है, ये सिर्फ अभी पढ़ने के लिए यूज कर लो। देखो क्या सब आ गया ना, इसलिए अगर तुम गलत डाटा दोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम यहीं से ऐसे ही टर्मिनेट हो जाएगा, ये कुछ गार्बेज को सपोर्ट नहीं करता है। जबकि C++ में क्या होता, C++ में अगर आप परसेंट डी देते हो और उधर से जो है दशमलव वाला वैल्यू दे देते हो तो प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन इसमें अगर कहीं पे भी किसी भी लाइन में एग्जीक्यूशन के टाइम में गलती हुआ तो प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, जिस वजह से जावा प्रोवाइड ही नहीं करता था ये चीज। जावा ने ये चीज प्रोवाइड ही नहीं करना था कि भैया यूजर गलती कर सकता है, बहुत सिक्योर है, तो बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का फाइल रीडिंग ही करने ही नहीं देता है। लेकिन चलो क्योंकि तुम C++ पढ़ के आए हो तो कहोगे ही scanf का अल्टरनेटिव बताइए, और क्या कहते हैं सीन का अल्टरनेटिव बताइए, तो लीजिए अल्टरनेटिव बता दिया। तो अल्टरनेटिव बताया तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो डाटा रीड कर रहे हैं वही डाटा दीजिएगा, क्योंकि नहीं दीजिएगा तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा आपका, तो उसका आंसर अभी आपको मिलने वाला है नहीं, उसका आंसर आपको मिलेगा स्कैनर पढ़ने के बाद, सॉरी आपको ये चीज मिलेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने के बाद, हाउ टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। तो इतना माता पच्ची नहीं करना है, जो मांग रहे हो वही देना है। तो पहला ये तो देख लिए कि जब सही देते हो तो काम करता है, फिर से करके दिखाते हैं। जावा टेस्ट डेटा 1 2 3 4 5 6 7 दोगे तो ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इसके रेंज के अंदर की बात है, फिर इसके रेंज से बाहर जाओगे तो फिर ये गलती करके तुमको सीधे प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा, वो गार्बेज नहीं देता है, ये सीधे प्रोग्राम को बंदे कर देता है, भाई आप बीच में कहीं गलती हो गया इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि तुम्हें क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये हो गया आपका कौन सा, नेक्स्ट इंट का कॉन्सेप्ट, ये किसका हो गया, नेक्स्ट इंट, हाउ टू गेट नेक्स्ट इंट, कंट्रोल सी, लीजिए हम इसका जो है आपको नोट्स में ही लिख देता हूं ताकि ये नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंट का एग्जांपल हो गया कंट्रोल भी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट इंट, आउटपुट आप खुद से इस वीडियो से बना लीजिएगा, ओके। वैसे अच्छा रहेगा कि ये नोट्स ही मैंने आपको भेजू, आप नोट्स खुद से बना लीजिएगा, इसका आउटपुट भी बना लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रोग्राम रन करवाए, नेक्स्ट इंट हो गया। अब नेक्स्ट इंट के बाद देखिए नेक्स्ट शॉट है, नेक्स्ट शॉट, तो नेक्स्ट शॉट मतलब कहने का मतलब है इंट नहीं, हम एक डेटा टाइप बना रहे हैं short, शॉर्ट, शॉर्ट टाइप का ए, तो किस से कॉल करें इसको, नेक्स्ट शॉर्ट से, नेक्स्ट short, इंटर शॉर्ट डेटा short डेटा फ्रॉम द यूजर, बाकी सब वही रहेगा, शॉर्ट का एस छोटा होगा क्योंकि बेसिक डेटा टाइप है, स्कैनर का ही ऑब्जेक्ट बनाना होगा, न्यू स्कैनर ही लिखना होगा, सिस्टम डॉट इन ही करना होगा क्योंकि कंसोल से आपको आउटपुट लेना है, ठीक है ना। बात बाकी जो है यहाँ क्या होगा, इंटर ए शॉर्ट वैल्यू लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, short, तो कंट्रोल
एस अभी सेव नहीं करना है इसको, फाइल सेव एज, कंट्रोल सी, फाइल सेव एज डॉट जेवीए जावा, ऑल फाइल कर दिया, टेस्ट नेक्स्ट सॉफ्ट, सेव हो गया बिन में। फिर से जावा सी क्या करना है भाई, जावा सी टेस्ट नो शॉट डॉट जावा, ओके देखिए हो गया। और इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर जावा से आप मांगे हो TST टेस्ट, NEXT नेक्स्ट, SHORT शॉर्ट, तो फिर आप नेक्स्ट शॉर्ट डेटा ही यहाँ दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल डेटा भर दीजिएगा यहाँ पर, टेस्ट नेक्स्ट शॉर्ट। अब नेक्स्ट शॉर्ट का मतलब होता है 2 बाइट, मतलब 32,767, ठीक है ना, 32,767 दो के ले लेगा 32,767। लेकिन इसी जगह पर फिर देखो एक बार इसका आउट ऑफ रेंज जाके दिखाओ हमको, 67 है ना, 68 कर दें, आउट ऑफ रेंज हो गया क्योंकि प्लस में 67 होता है ना, तो देखते हैं यहाँ क्या होता है, आ गया एक्सेप्शन, बात समझ गए ना। तो आप गलत डाटा जहां दिए वहीं से प्रोग्राम खत्म, कोई बुद्धि लगने की बात नहीं है, स्कैनर में ये एबिलिटी नहीं है कि आपको ये चीज रोक सके, तो इसलिए आपको डाटा क्या करना है, अंडर कंट्रोल देना है। इन केस ऑफ गार्बेज, जावा आपके प्रोग्राम में गार्बेज रिजल्ट नहीं देगा, प्रोग्राम ही क्लोज करेगा, जस्ट रिमेंबर इट ओके। तो नेक्स्ट शॉट हो गया, अगला आपको नेक्स्ट शॉट के बाद आपको क्या कर देता है इसी को, नेक्स्ट शॉट के बाद नेक्स्ट बाइट करना है, क्या करना है, नेक्स्ट बाइट, तो BYTE बाइट, बाइट एक डेटा टाइप है ना, तो इंटर ए शॉर्ट वैल्यू के जगह पे हम इसमें क्या लिख देते हैं, इंटर ए बाइट वैल्यू, BYTE बाइट वैल्यू, और कहते हैं इंटर बाइट डेटा फ्रॉम द यूजर, इंटर बाइट डेटा फ्रॉम द यूजर, इसका नाम क्या रख देते हैं अपन, इसका नाम रख देते हैं टेस्ट नेक्स्ट बाइट, BYTE बाइट, फाइल सेव एज टेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट BYTE बाइट डॉट जावा, ऑल फाइल करना न भूलें, सेव, और चलिए इसको अब कन्वर्जन करवाते हैं, जावा सी टेक्स्ट नेक्स्ट शॉर्ट नहीं, टेक्स्ट नेक्स्ट BYTE बाइट, ओके नेक्स्ट शॉर्ट ही लिखा हुआ है कि देखो कहां कहां गलती है, जल्दी से नेक्स्ट बाइट, टेस्ट TST टेस्ट नेक्स्ट बाइट, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, बाइट का ए बना लिया, सिस्टम डॉट इंटर वैल्यू कर दिया, नेक्स्ट शॉर्ट, देखो यहाँ पे एरर क्या आ गया, नेक्स्ट शॉर्ट से एरर नहीं आया, शॉर्ट को उठा करके इसमें ले जा रहे थे, एरर दिया है, समझे ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नेक्स्ट BYTE बाइट, कंट्रोल एच, सेव हो गया, देखिए कंपाइल हो गया, रन कीजिएगा, तो जावा सी टेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट बाइट, इंटर कीजिए, देखिए 1 2 3 दीजिएगा, ले लेगा क्योंकि एक बाइट का बात है, तो मतलब इसका रेंज 127 है, जहां 128 दोगे की मारेगा एरर, कैरेक्टर रिडक्टर तो छोड़ दो, पहले तो इसको कंपाइल करवा लो ना, 128 ले, तो बात समझ गए ना, लेकिन जब सही डाटा दोगे तो ये काम करेगा, सही डाटा पे कोई काम नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन गलत दिए डाटा कि भूल जाओ, फिर से प्रोग्राम रन करवा लो, तब फिर ये सुधरता उधरता नहीं है, बीच में एरर दोगे तुम, अगर डाटा गलत दोगे तो गलत रिजल्ट देगा, नेक्स्ट बाइट हो गया। उसी तरह से अगर आपको नेक्स्ट बाइट के बाद अगर नेक्स्ट लॉन्ग लेना है, क्या लेना है भाई, लॉन्ग लेना है, तो लॉन्ग ले लीजिए, नेक्स्ट LONG लॉन्ग, ओके, तो यहाँ जो आपने बाइट बनाया है इसको क्या बना दीजिए, बाइट जो बनाया है उसको क्या बना दीजिए, LONG लॉन्ग बना दीजिए, अब लॉन्ग बना दिया तो OB.next लॉन्ग लिख दीजिए, इसको LONG लॉन्ग लिख दीजिए, इंटर लॉन्ग डेटा, इंटर LONG लॉन्ग डेटा फ्रॉम द यूजर, वैल्यू लिया कहां से, ए से, इसका नाम रख दिए इंटर नेक्स्ट लॉन्ग, तो कंट्रोल सी, फाइल सेव एज जावा, ऑल फाइल सेव हो गया, कंपाइल करो और रन करो, जावा सी नेक्स्ट LONG लॉन्ग डॉट जावा, कंपाइल हो गया, जावा नेक्स्ट
हेलो एनजी ओके नहीं फाउंड हुआ, क्यों नहीं हुआ तो ये देखना है। टेस्ट नेक्स्ट एनईएक्सटी नेक्स्ट एलओ एनजी लॉन्ग सेव करना था इसको, सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करो। जावासी टेस्ट टी एस टी टेक्स्ट एनईएक्सटी नेक्स्ट एलओ एनजी लॉन्ग डॉट जावा सेव हो गया। अब करो इसको कंपाइल के बाद रन, जावा टेस्ट नेक्स्ट लॉन्ग इंटर। बाइट वैल्यू उसके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में गलत लिखा हुआ है, लेकिन अब आप इसमें लॉन्ग वैल्यू दे सकते हो। तो लॉन्ग वैल्यू बहुत बड़ा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तो आराम से लेगा, तो लॉन्ग में ले लेगा ये डाटा, क्योंकि नेक्स्ट लॉन्ग से आप नेक्स्ट लॉन्ग डेटा रख सकते हो। ओके, उसी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट लॉन्ग हो गया, अब नेक्स्ट लॉन्ग से आप लॉन्ग डेटा ले सकते हो। अगर फ्लोट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट लोगे, नेक्स्ट फ्लोट लेना है अगर तो आप क्या लोगे, एफ एल ओ ए टी फ्लोट। तो उसके लिए डाटा टाइप कौन सा बनाओगे, फ्लोट बनाओगे, एफ एल ओ ए टी फ्लोट। क्या करोगे, इंटर ए फ्लोट वैल्यू भी लिख देते हैं, फ्लोट वैल्यू अच्छा लगने के लिए। नेक्स्ट एफ एल ओ ए टी फ्लोट, इंटर ए लॉन्ग डेटा नहीं, इंटर एफ एल ओ ए टी डेटा फ्रॉम द यूजर ए में चले आओ। ओके, कंट्रोल सी, फाइल सेव एज डॉट जेवीए जावा, ऑल फाइल करो। अब इसको रन करवाओ, सी एल एस जावा सी जेवीए जावा सी डॉट जावा। इसके जरिए आप फ्लोट भी ले सकते हो। अब जावा, अब क्या कर सकते हो, 1 2 3 दशमलव 1 2 3, तो देखो 1 2 2 3 दशमलव 1 2 3 ले लिया, लॉन्ग ले सकते हो आप, इसी तरह से डबल भी ले सकते हो। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, डबल भी ले सकते हो, फ्लोट ले लिए सेम एज, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, डबल भी ले सकते हो, डी ओ यू बी एल ई डबल। तो डबल के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डबल का, डी ओ यू बी एल ई डबल, नेक्स्ट डबल। तो इसका डाटा टाइप क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, डी ओ यू बी एल ई डबल, बेसिक डेटा टाइप वही है। इंटर फ्लोट डेटा की जगह हम क्या लिख देते हैं, इंटर डबल डेटा, डी ओ यू बी एल ई डबल। इंटर फ्लोट डेटा की जगह पर अपन इसको क्या कर देता है, डबल, डी ओ यू बी एल ई डबल डेटा फ्रॉम द यूजर। ठीक है, सेव करना है इसको, किस नाम से सेव कर लें, कंट्रोल सी फाइल सेव एज कंट्रोल वी डॉट जावा ऑल फाइल एंड सेव। तो आप नेक्स्ट डबल का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डबल जावा सी नेक्स्ट डबल डॉट जावा, क्या हुआ, इनवैलिड फाइल क्लास फ्लैग क्लास। देखिए कहीं ना कहीं कोड में गलती रह गया होगा। सी एल ई डबल एस क्लास टी एस टी टेस्ट एन एक्स टी नेक्स्ट डी ओ यू बी एल ई डबल। ओके, ये हो गया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया, डी ओ यू बी एल ई डबल का ऑब्जेक्ट है इधर, ओ बी डॉट नेक्स्ट डी ओ यू बी एल ई डबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर ए स्ट्रिंग, तो सेव करने में ही गलती हुई है कहीं। फाइल सेव है डॉट जे भी ये जावा ऑल फाइल कीजिए, सेव कीजिए। ठीक है, उसके बाद पहले इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद जावा जे ए भी ये जावा शी किसको कंपाइल करना है, भाई डॉट जावा को, हो गया जावा। इसमें तुम डबल वैल्यू दे सकते हो, डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी ले लिया। तो नेक्स्ट ट्रबल, आप समझ गए कि हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम द यूजर। अब कोई दिक्कत, अब लिखते रहो, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, जो लेना है लेते रहो, इंट लेना है तो नेक्स्ट इंट, फ्लोट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट, डबल लेना है तो नेक्स्ट डबल, उसके बाद सॉर्ट लेना है तो नेक्स्ट सॉर्ट, बाइट लेना है तो नेक्स्ट बाइट। ठीक है, बुलियन लेना है तो नेक्स्ट बुलियन, आप नेक्स्ट बुलियन भी ले सकते हो, बुलियन वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन जब बुलियन वैल्यू लोगे तो क्या लोगे, ट्रू और फॉल्स लोगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट बुलियन, बी डब्लू एल ई ए एन बुलियन, तो
यहां पर हम कहते क्या है, बुलेन, BOOLEAN, बुलेन, इंटर ए बुलेन डेटा, BOOLEAN, बुलेन वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट बुलेन, BOOLEAN, बुलेन, इंटर BOOLEAN, बुलेन, इसको सेव कीजिए आप इस नाम से, बुलेन भी लिया जा सकता है। इसमें जितना डाटा टाइप बेसिक है सब के लिए पहले से बना हुआ है, बस तुमको याद रखना है तुमको क्या लेना है, और यूजर जब डाटा देगा तो उसको ध्यान रखना है कि जो मांगा है वो एप्रोप्रिएट डेटा दे, एप्रोप्रिएट डेटा नहीं देगा तो ये एरर देगा, सीधा बात है, रन टाइम एरर देगा, जिसको क्या क्या एक्सेप्शन कहते हैं, जावा सी टेस्ट BOOLEAN, बुलेन डॉट जावा, हो गया, जावा टेस्ट बुलेन। देखो इसको ट्रू और फॉल्स देना है, TRUE ट्रू, इट्स बुलेन वैल्यू, तो ले लिया ना, इसी जगह पे 01 समझाए इसको तो देगा एरर, मारा एरर, क्योंकि जावा में बुलेन का मतलब सिर्फ ट्रू और फॉल्स समझता है, 0 और 1 नहीं समझता है, ये याद रखिएगा, जावा बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई गलत चीज को सपोर्ट ही नहीं करता है, बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स होता है तो 0 1 हम क्यों समझ जाएंगे ये ट्रू और फॉल्स है, जबकि C++ क्या करता था, 0 मतलब फॉल्स और बाकी जितना वैल्यू है सब ट्रू, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सीधा है, दो ही स्टेट रखा गया है, या तो ट्रू फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू को TRUE ट्रू समझता है और फॉल्स को FALSE फॉल्स ही समझता है। ओके, अब बात आता है नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, क्या होना तो चाहिए, CHAR क्या, तो कहता है नेक्स्ट क्या, CHAR क्या, इंटर ए क्या, क्या डेटा फ्रॉम यूजर, नेक्स्ट CHAR कैट, फाइल सेव एज कंट्रोल वी डॉट जावा ऑल फाइल सेव, कंपाइल करें, CLS इसको क्लियर कर लेते हैं, जावा सी, ठीक है, जावा सी डॉट जावा, क्या सब एरर आया, मेथड नेक्स्ट क्या, वेरिएबल ऑफ नेक्स्ट next नेक्स्ट CHAR क्या, कैन नॉट फाइंड सिंबल a इक्वल्स टू ov डॉट नेक्स्ट क्या, देयर इज नो सपोर्ट अवेलेबल फॉर एक्सेप्टिंग ए कैट डेटा, ये कैर नो लीड कर सकते हो तुम, इससे एक सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए इसने नहीं दिया है नेक्स्ट कैर, नेक्स्ट कैर नहीं है, ओके ऐसे कैसे हो सकता है, चलो ठीक है नेक्स्ट कैर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट स्ट्रिंग आप ले सकते हो, नेक्स्ट स्ट्रिंग आप ले सकते हो, STRING स्ट्रिंग, ठीक है ना, तो आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो स्ट्रिंग का, STRING स्ट्रिंग का ए, इसमें एक एक्स्ट्रा डाटा टाइप है स्ट्रिंग, तुम उसका यूज जैसे मन करे कर लो, उसको सिंपली एक वेरिएबल समझो और उसे ही इस्तेमाल करो उसको, बाद बाकी जिस दिन स्ट्रिंग पढ़ेंगे उस दिन तुमको पढ़ा देंगे, स्ट्रिंग टाइप का ए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इंटर ए string value, enter a string value, string string value, a equals to ob dot next line, not next string, line line, enter a string data from the user, ठीक है, control c, file save as, नेक्स्ट स्ट्रिंग का एग्जांपल है जावा, ऑल फाइल कर दिया, इसे सेव कर दिया, ओके CLS, ओके जावा सी इसमें आप स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक है, इसको आप अगर रन करवाइएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, तो ये हो गए आपके सारे, जैसे कि my self
हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पेस के साथ स्ट्रिंग नहीं लेना चाहिए इसको। मैं सर फ्रॉम ले लिया ना, स्पेस नहीं हो सकता है, ले लेगा क्या? ओके स्पेस भी ले लेता है फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग दिए, स्ट्रिंग को लेकर के रख दिया और स्ट्रिंग को लेकर के पढ़ दिया। तो हमने कौन कौन सा मेथड इसका देख लिया भाई, हमने इसका कौन कौन सा मेथड देख लिया, हमने इसका सारा मेथड देख लिया। नेक्स्ट शॉर्ट देख लिया, एक शॉर्ट लेगा, नेक्स्ट लॉन्ग एक लॉन्ग लेगा, नेक्स्ट लाइन एक स्ट्रिंग डेटा लेगा, नेक्स्ट इंट एक इंट लेगा, नेक्स्ट फ्लोट एक फ्लोट डाटा लेगा, नेक्स्ट डबल एक डबल लेगा, नेक्स्ट बाइट एक बाइट लेगा, नेक्स्ट बुलियन एक वैल्यू बुलियन लेगा। तो इतना को आपको क्या करना है, इतना का आपको क्या करना है, थ्योरी लिख लेना है और उसके बाद इसको यूज अब आप करते रहिए रोज। अब इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको जब अब हम इस्तेमाल करेंगे तो अब आपका जो आगे का प्रोग्राम होगा और बेहतर होगा। तो इट इज ऑल अबाउट योर स्कैनर, तो स्कैनर के बारे में आप जरूर लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो ध्यान आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।